कनाडा वीज़ा तो पॉपुलर है ही, बट उसका जो रिजल्ट का टाइम है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। डेली बेसिस के ऊपर क्वेरी आती है कि जी हमारी वर्क परमिट की एप्लीकेशन लगी है, कब तक रिजल्ट आएगा? स्टूडेंट वीज़ा कितना टाइम कनाडा ले रहा है रिजल्ट इशू करने में? ठीक है, अगर पीआर की एप्लीकेशन लगी है तो कितने टाइम में रिजल्ट आएगा, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आने वाले दिनों में वेस्टर्न वीज़ा प्लान कर रहे हो, आपकी जो ट्रैवल डेट है उससे पहले कब तक आपको एप्लीकेशन लॉन्च करनी चाहिए? वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। किसी भी तरह की वीज़ा फाइलिंग में हेल्प चाहिए, अपनी प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सबसे पहले अगर मैं वेस्टर्न वीज़ा की बात करूँ तो कनेडियन हाई कमीशन के अकॉर्डिंग जो न्यू प्रोसेसिंग टाइम है, ठीक है, वो 29 डेज है। तो अगर आपने अपना वेस्टर्न वीज़ा अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल आपकी ट्रैवल डेट अक्टूबर की है लास्ट की या आपकी नवंबर फर्स्ट वीक की है, तो आप अपना आराम से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब जो प्रोसेसिंग टाइम वेबसाइट के ऊपर शो किया जाता है, मोर देन 80% एप्लीकेशन है जो इसी प्रोसेसिंग टाइम के अकॉर्डिंग प्रोसीड की जाती है, तो इसलिए इतना टाइम इन दिनों वेस्टर्न वीज़ा को लग रहा है। अब आप कमेंट करोगे कुछ एप्लीकेंट ऐसे भी हैं जिनकी एप्लीकेशन को ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो कुछ केसेस में टाइम ज़्यादा लगता है, बट एक्चुअली एवरेज टाइम है जो वो 29-30 डेज है, उससे पहले भी रिजल्ट आ रहे हैं। उसके बाद अगर मैं वर्क बात करूं वर्क परमिट की एप्लीकेशन की, तो सेम सिनेरियो है। स्पाउजल ओपन वर्क परमिट की हमने एप्लीकेशन रखी थी लास्ट मंथ, ठीक है, उनका रिजल्ट 20-25 दिन में सभी का पॉजिटिव आ गया। तो कनाडा ये चीज़ देख रहा है लास्ट ईयर से कि बहुत ज़्यादा रिलेशन ब्रेक हुए। लास्ट ईयर आपको पता है कि अगर आप स्पाउजल ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन लगाते थे, ठीक है, डिपेंडेंट वर्क परमिट की, तो आपका रिजल्ट साथ 8-8 मंथ नहीं आता था, बट जो करंट टाइम फ्रेम है 20-25 दिन में उनका भी रिजल्ट आ रहा है। अगर स्टूडेंट वीज़ा की बात करूँ तो स्टूडेंट वीज़ा के लिए तो गोल्डन टाइम इस समय डेफिनेटली चल रहा है। आप अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करते हो जब, ठीक है, वेबसाइट के अकॉर्डिंग चाहे प्रोसेसिंग टाइम 7 वीक हो, बट रिजल्ट की जो टाइमिंग है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में जो रिजल्ट है स्पेशली स्टूडेंट वीज़ा का कैनेडा दे रहा है। उसके बाद अगर मैं फैमिली क्लास की पीआर की बात करूँ, बहुत ज़्यादा जो लोग हैं अपनी AOR की वेट कर रहे हैं, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट की, तो कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? यूजली हाई कमीशन क्या है, 2 मंथ से 10 दिन ऊपर नीचे हो रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपने एप्लीकेशन जून के लास्ट वीक में अप्लाई की थी तो किसी भी टाइम आप अपनी एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट है जो रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद फाइनल कितना टाइम लग रहा है, यूजली अगर एवरेज टाइमलाइन की बात करूं स्पेशली पीआर कैटेगरी में, डिपेंडेंट कैटेगरी में, तो 6-7 मंथ एवरेज 80% एप्लीकेशन क्लियर हो रही है, ठीक है, कुछ एप्लीकेशन ज़रूर बैकलॉग का पार्ट है, बट करंट प्रोसेसिंग टाइम इतना है। और लास्ट में ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि वीज़ा का ट्रेंड कनाडा का अच्छा चल रहा है, ठीक है, एवरेज एप्लीकेशन को वीज़ा आ रहे हैं। रिसेंटली हमारे लास्ट वीक 9 विस्टर वीज़ा अप्रूव हुए, मैं एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर भी करूँगा, कैसी प्रोफाइल थी, टूरिज्म के केस थे, कुछ कुछ इनविटेशन के साथ थे, बट सक्सेस रेट अच्छा चल रहा है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, आपकी प्रोफाइल अच्छी है या प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो, तो व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।